सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी ज़ैबिर अलैहि सलाम। साथियों कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज की इस वीडियो में बताने के लिए आया हूं, ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। साथियों हमारे देश के अंदर पैसा जो कि हर किसी देश में हर किसी राज में, आपको मैं अपने देश की नहीं बात कर रहा हूं, अलग अलग देशों में मैं बता दूं कि वहां के मुख्यमंत्री वहां के प्रधानमंत्रियों ने कुछ भी किसी से पैसा नहीं लिया। लेकिन हमारे भारतवर्ष में बहुत से ऐसे उद्योगपति थे, जैसे आपको बताना चाहता हूँ अक्षय कुमार जी 25 करोड़ रुपए दिए, बहुत सारे लोग मुकेश अंबानी जी पता नहीं 400 जो 500 करोड़ रुपए दिए, ऐसे से मतलब बहुत सारे लोग हमारे देश में हेल्प किए। और वो इसलिए हेल्प किए हैं कि हमारे देश में जो कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो बेचारे सुरक्षित रह सके। लेकिन आज हमारे देश में एक चीज ऐसा देखा गया, साथियों आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चीज को सुनेंगे तो आपका खुद दिल पिघल जाएगा कि हमारे देश में सरकार होते हुए भी और लोगों का हेल्प होते हुए भी आज कोरोना वायरस का मरीज बाथरूम में बैठकर खाना खा रहा है, उसको एक बाथरूम में रखा गया है। सोचिए क्या इस देश के जो लोग पैसा दिए थे इसीलिए हमारे देश में, आपको बताना चाहता हूं इतने ज्यादा कानून है, कानून से लेके हर कोई चीज है, ठीक है। और हमारे देश में व्यवस्था भी है साथियों, व्यवस्था ऐसी नहीं है कि व्यवस्था नहीं है, हमारे देश में सरकार ने व्यवस्था भी किया है। लेकिन कुछ लोग जो कि जातिवाद का जहर डालकर और कोई जहर डालकर जाकर बाथरूम में उसको रख दिए, सोचिए क्या ये कोरोना वायरस का जो ये आया है, ये जो बीमारी है साथियों, ये क्या पहचान रहा है कि कौन दलित है, कौन मुसलमान है, कौन यादव है, कौन ब्राह्मण है, कौन पंडित है, कौन वैश्य है, ये क्या वो पहचान रहा है? नहीं पहचान रहा है। साथियों ये बीमारी है, इसमें जात और वो भेद को नहीं देखेगी, जहां एक तरफ से चालू करेगी ना तो हर किसी को लेके जाएगी। सोच लीजिए अगर मैं दलित हूं ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पे ऊपर कोरोना वायरस नहीं आएगा, अगर आप मुसलमान है ना तो आप ये मत समझिए कि आपके ऊपर नहीं आएगा, आप अगर ब्राह्मण समाज के है ना तो आप भी मत समझिए कि आपके ऊपर नहीं आएगा, ये हर किसी को ही ऊपर आ सकता है, बीमारी है यार ये, ठीक है। हमारे और आप जैसा थोड़ी ना है कि हम लोग जातिवाद का कीड़ा अपने दिमाग में पाल के रखे हैं। तो ये साथियों ये बहुत ये गलत काम हो रहा है इस भाई के साथ, ये कोरोना वायरस का मरीज होते हुए भी और ये जाकर ये बेचारा बाथरूम में खाना खा रहा है, बाथरूम में अपना सोना उठना बैठना कर रहा है। तो मैं आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा साथियों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस भाई को न्याय मिल सके और इसका अच्छे से इलाज हो सके। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम सलाम, सिर्फ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूले। जय भीम।